नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हीरा सिंह राठौर चैनल पर। तो आज की बड़ी अपडेट आ रही है, छत्तीसगढ़ को गुजरात से जोड़ने के लिए बन रहा है नर्मदा एक्सप्रेस वे। नर्मदा नदी के किनारे बन रहा है मध्य प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे। ये एक्सप्रेस वे 33,000 करोड़ रुपए में बन रहा है। 906 किलोमीटर लंबा हाईटेक कॉरिडोर यमुना एक्सप्रेस वे पहले से मौजूद है। गंगा के किनारे भी मेरठ में प्रयागराज तक एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है। इसी तर्ज पर MP का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे नर्मदा नदी के किनारे बनाया जा रहा है। ये एक्सप्रेस वे छत्तीसगढ़ बॉर्डर और नर्मदा नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक में शुरू होकर डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, नर्मदापुर, हरदा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी से होता हुआ गुजरात बॉर्डर के पास अली राजपुर तक बनाया जाएगा। नर्मदा एक्सप्रेस वे 906 किलोमीटर लंबा होगा और इसे बनाने के लिए लगभग 33,000 करोड़ का खर्च होने की उम्मीद है। ये एक्सप्रेस वे 8 लेन का होगा। इस एक्सप्रेस वे के जरिए छत्तीसगढ़ गुजरात से कनेक्ट हो जाएगा। प्लानिंग ये है कि इस एक्सप्रेस वे को आगे बढ़ाकर देश के सबसे बड़े दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से भी कनेक्ट किया जाएगा। यानी कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लोग नर्मदा एक्सप्रेस वे के जरिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस के वे पर सफर कर पाएंगे। ये हाईटेक कॉरिडोर अनूपपुर समेत MP के 11 जिलों को हाई स्पीड कनेक्टिविटी देगा। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि क्या क्या फैसिलिटी होगी इस हाई एक्सप्रेस वे पर। इस एक्सप्रेस वे पर वर्ल्ड क्लास साइड हब यूनिटी सेंटर भी बनाए जाएंगे, जिससे एक्सप्रेस पर यात्रा करने वालों को खाने पीने मेडिकल समेत तमाम सुविधाएं मिल सके। ये एक्सप्रेस वे मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ गुजरात के बॉर्डर इलाकों को भी विकास के नए पंख देगा। मध्य प्रदेश आबादी के लिहाज से देश में 5वें नंबर पर आता है, लेकिन इस एक्सप्रेस वे के जरिए मध्य प्रदेश के 11 जिले गुजरात के बंदरगाह से कनेक्ट हो जाएंगे, जिससे लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम होगी। शानदार कनेक्टिविटी होने के बाद कई कंपनियां इंडस्ट्रियल क्लस्टर में अपने प्लांट लगाएंगी, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ का ग्राफ ऊपर जाएगा। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो यह एक्सप्रेस वे टूरिज्म इंडस्ट्रियल एक्सप्रेस सेक्टर में नई जान फूंक देगा।